देखिए, कश्मीर सर्वर्स फाउंडेशन एक यूथ ड्रिवन थिंक टैंक है, आप बोल सकते हैं। इसमें हमें लाइक माइंडेड यूथ है जो काफ़ी फील्ड डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट फील्ड्स में एक्सेल करते हैं, जो हम वॉलंटियरली काम करते हैं। हमारा मिशन है यूथ एंड एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट को कैटर करते हैं यूथ भी, विमेन भी, मैन भी, सब फील्ड्स में हम अपना अपना रोल प्ले करते हैं। हम वी ट्राई टू कीप यूथ एंगेज्ड विद एक्टिविटीज सो दैट वो दूर रहें, जो बाकी खुराफाते हैं उनसे दूर रहें। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम यूथ को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें और वो पॉजिटिव एंड पीसफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें। फिर हम इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, वी आर वॉलंटियरली वर्किंग ऑन इट। हम हमारा एक काम करने का तरीका है, वी डिलीवर दिस अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू पीपल। और हम ऐसे कुछ प्रोग्राम्स करते हैं जिनमें हम लोगों को लाते हैं और उनको अवेयर करते हैं और उनको उनके और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज बन के उनकी हेल्प करते हैं। हमारा इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, हम मतलब हमारे डिसेंट्रलाइज यूनिट्स नहीं है जहाँ पे हम, और हमारी कोशिश है इंशाल्लाह वोकेशनल एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा गोल है। कश्मीर सर्वर्स फाउंडेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मल्टी डायमेंशन है, मल्टी डोमेन्स है, जिसका मतलब एक ही मतलब ऐसे वोकेशनल एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए जो आपने क्वेश्चन पूछा, अगर मैं उसका जवाब दे दूंगी तो अगर इन फ्यूचर इंशाल्लाह गवर्नमेंट के सपोर्ट और पब्लिक के सपोर्ट से हम ऐसे इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाते हैं कि हम वी आर एबल टू टाई पीपल विद वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पीपल है। तो हमारी कोशिश, हम खुश भी होंगे और हमारी कोशिश भी रहेगी कि हम उनको ये फील्ड दे दें। आप सबने देखा होगा हमारी सक्सेस स्टोरीज कैसी थी, आउट ऑफ द बॉक्स थी। हमने कोई प्रोमिनेंट फील्ड हमने एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं लाए, क्योंकि सपोर्ट से नहीं लाए, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सेस होता है ऐसे प्रोग्राम्स का। ये वो लोग थे जो मुझे ये भी क्वेश्चन कहते थे, मैम एशियोज आधार कार्ड से होते हैं, एशियोज पैन कार्ड, क्योंकि दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू सच प्लेटफॉर्म। मेरा मकसद ये था कि इनको खुद में खुद से ही पहले इंस्पिरेशन ले लें, बाद में ये घर जाके घर वालों को इंस्पायर करें और आगे जाके जो बाकी लोग हैं जिनके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं कुछ काम करने का, जिनको वे आउट वे नहीं दिखता है हम कौन सा फील्ड चूज करें, या जो डिस्करेज रहते हैं, जो ऐसे फील्ड्स की इज्जत नहीं करते, हमारा मकसद ये था कि वो अवेयर हो जाए और उनको लगे, उनको पता चले कि उनके पोटेंशियल में डिग्निटी है, वो उन तक है, उनको वो उनको बनाए। हमें यही था कि हमें इन कैटेगरीज को डिग्निफाई करना था और लोगों के लिए ये मैसेज किया कि वीमेन आर नॉट लेस देन एनीवन, वी डू नॉट नीड टू ब्रैग फॉर इक्वालिटी, वी आर मोर देन एनीवन एल्स, वी आर वर्सटाइल, वी आर डायनामिक, वी कैन परफॉर्म एवरी रोल। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने हमें अपने रिलीजन ने ही एम्पावर किया हुआ है ऑलरेडी, वी डू नॉट नीड एम्पावरमेंट। हमारे हमें सिर्फ पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए और पोटेंशियल को नरिश करने के लिए प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है और एक्सेप्टेंस की जरूरत है, इंक्लूसिवनेस की जरूरत है। केवीआईपी केवीआईसी रिलेटेड हो, अलग अलग स्कीमों में बहुत अच्छा जो है वो प्रदर्शन उनका अपने अपने यूनिट से एस्टेब्लिश किए, मैं उनको भी आपके माध्यम से जो है वो शुभकामनाएं देता हूँ। बाकी जितने भी पढ़े लिखे नौजवान उनका वो लाभ उठाए। देखिए, बहुत भारी मात्रा में कुपवाड़ा में यूथ ने इनका बेनिफिट लेना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और सीधे आंकड़े पे अगर मैं आऊँ तो तकरीबन जैसे मैंने बताया कि 8,500 बच्चों ने जो हमारे पास जो फॉर्म भरे हुए थे उसमें तकरीबन जो है वो 6,000 के आसपास बच्चों ने ऑलरेडी अपने अपने यूनिट्स जो है वो शुरू करने की शुरुआत कर दी है। तो आप देखेंगे कि 6,000 यूनिट्स अगर शुरू हो रहे हैं तो इसका मतलब तकरीबन 18,000 से 20,000 लोगों को उसमें रोजगार मिल रहा है। पिछले 7-8 महीनों में ही ये काम हुआ है, आने वाले दिनों में और इसमें मुझे लगता है कि युवा आगे आएंगे और काम करेंगे।